लगभग 1.25 लाख की आबादी वाले विधानसभा के सबसे बड़े अस्पताल करसोग में कई पद रिक्त होने के बावजूद 3 स्टाफ नर्स और 1 वार्ड सिस्टर जुगाड़ मंत्र के चलते अपने पसंदीदा स्थानों पर डेपुटेशन के लिए कहीं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी तैनाती करसोग के लिए की हुई है। हैरानी तो इस बात की है कि उनका वेतन करसोग अस्पताल से निकल रहा है और सेवाएं कहीं और अपने मनमाफिक स्थान पर दी जा रही हैं। इस हालात में पूर्व जिला परिषद सदस्य श्याम सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि उन्हें जल्द वापस नियुक्ति वाले स्थान पर भेजा जाए, अन्यथा रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सर, हमारे करसोग हॉस्पिटल से ना ऐसा पता चला है कि 4 कर्मचारी जो हैं वो डेपुटेशन पर कहीं बाहर किए हुए हैं, जिनकी तनख्वाह तो करसोग से निकल रही है परंतु काम बाहर कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला है या उसमें आपने भी कई दफा मांग की है कि उन्हें वापस भेजा जाए, क्योंकि यहाँ भी कमी रहती है? ऐसे हमारे पास 1 वार्ड सिस्टर हैं, 3 स्टाफ नर्स और 1 मिडवाइफ जो यहाँ से डेपुटेशन पे के मतलब विभिन्न संस्थानों में डिप्यूट हो चुके हैं, जो कि हायर अथॉरिटी के आदेश के अनुसार। तो बार बार हमने हायर अथॉरिटी को लिखा भी है कि इनका हमारे पास भी, जैसे कोविड के टाइम में थोड़ी समस्या रहती है पेशेंट को देखभाल करने के लिए, करसोग बहुत दूर का क्षेत्र है, तो हमने उनके लिए पत्राचार के माध्यम से उनको वापस बुलाने की बार बार मांग रखी। तो उनकी तनख्वाह जो हर महीने यहीं से जाती है? जी, वो तो कुल 5 कर्मचारी हैं। हाँ, 4 इसी के और 1 सीएससी नीरी से, 5 लोग यहाँ से डिप्यूट हुए हमारे ब्लॉक सिस्टम गए हैं। जी, धन्यवाद सर, बहुत जी। आप पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं चौहान साहब, आप बताएं कि आपने एक मामला रखा है कि करसोग हॉस्पिटल से कुछ जो हैं वो वार्ड सिस्टर है, स्टाफ नर्स हैं, जो तनख्वाह तो करसोग से ले रहे हैं परंतु काम बाहर कर रहे हैं, डेपुटेशन पर बाहर कर दिए हैं, और ये बताएं क्या मामला है ये? करसोग अस्पताल एक पुराना अस्पताल है, यहाँ की ओपीडी आजकल 300 से 400 के बीच है, और जो इंडोर की बात है सभी बिस्तर लगभग ऑक्यूपाइड रहते हैं और भरे रहते हैं। यहाँ हमेशा डॉक्टरों की तथा अन्य स्टाफ की कमी रहती है। इसके बावजूद भी आजकल मेरे संज्ञान में ये आया है कि यहाँ से 3-4 लोगों को बाहर डेपुटेशन पर भेजा गया है, स्टाफ नर्स भी और वार्ड सिस्टर को जंजैली और मिडवाइफ को कहाँ छतरी या चुराग से कहाँ नीरी से नेर चौक मेडिकल हॉस्पिटल या इस तरह का कई डेपुटेशन किया है। ये बड़ी गंभीर बात है, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है और यहाँ के स्टाफ को बाहर भेजा गया है। मेरी हिमाचल सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि तुरंत यहाँ के स्टाफ को वापस करसोग भेजा जाए, करसोग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं माकूल मिलनी चाहिए। ये तभी मिल सकती है अगर ये डिप्यूटेड स्टाफ जो है करसोग वापस आ जाए। धन्यवाद जी, बहुत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।